Generally, apply procedure is ki sir, it will be a session of around 40 to 50 minutes, and shavat check 10 minute apan question answer center. So, kya pata din tabhi time it goes. Good evening and welcome everyone to this today's session of Saturday Talk. Today we have Shri Nagesh Manohar Dhonge ji, who is working as a Kokan Prant Samarasta Gativiti Sayojak. This is a arm of RSS working on a social justice area, and apart from his association with RSS, by qualification he is a diploma holder in electrical engineering and is currently working as an assistant engineer with the Bombay Municipal Corporation. He is staying at Malabar Hill, and today he is going to speak to us about the Indian Constitution. Manohar sir, Nagesh sir, over to you. Okay. सर्व सभी लोगों का स्वागत और सभी को पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर संविधान इस विषय पे बोलने के लिए समय दिया। वैसे 26 नवंबर यह कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान दिन था, और सरकार की ऐसी अपेक्षा होती है कि संविधान दिन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, अलग अलग सार्वजनिक संस्था, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहाँ पर संविधान इस विषय पे संविधान दिन मनाया जाए और संविधान के बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन उस समय हो, ऐसे एक सरकार की अपेक्षा रहती है। और यह सब शुरू हुआ 2015 से। 2015 के पहले यह जो संविधान दिन था उसको विधि दिवस करके बोला जाता था, यानी विधि दिवस। और उसका कारण यह था कि 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम पूरा हो गया। आपको पता होगा कि उसके पहले लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, उसके पहले 9 दिसंबर 1946 को यह कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू हुआ था, और लगभग 2.5-3 साल काम करने के बाद 9 दिसंबर 1946 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा हो गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने यह सब लिखने का काम पूरा करके यह कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट कॉपी है वो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे, उनको सौंप दी थी। और इसके कारण इस डेट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे, आर्टिकल 394 और उसको पकड़ के और भी 15 आर्टिकल, ऐसे 16 आर्टिकल उस दिन लागू हुए थे। इसका मतलब है आंशिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन लागू हुआ था, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तब यह जो इम्पोर्टेंट डेट है उस इम्पोर्टेंट डेट का महत्व ध्यान में रखकर पहले इसको विधि दिवस करके मनाया जाता था। और यह विधि दिवस कौन मनाते थे, तो जजेस है या फिर वकील है, ऐसे लोग मनाते थे। उसका कारण क्या हो गया, उसके कारण यह हो गया कि यह जो 26 नवंबर है यह कोई जजेस वकील उनका ही दिन है और बाकी सर्वसामान्य लोगों का उससे कुछ मतलब नहीं है, ऐसा एक भाव उसमें से उत्पन्न हो गया। और सर्वसामान्य जो जनता है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन या विधि दिवस है उससे अलग ही रहती थी, यानी राजेश जी सुनाई दे रहा है, क्या होल्ड हो रहे हैं उनका बता दीजिए ना। उस इस वर्ष से संविधान दिन करके मनाएंगे, स्कूलों में, कॉलेज में, शासकीय कार्यालयों में, अलग प्राइवेट सेक्टर्स की जो कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें सब में मनाना चाहिए, ऐसे अलग अलग जीआरबी गवर्नमेंट ने निकाले। तो हमको ध्यान में आता है कि 2015 के बाद संविधान के बारे में
ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस में चर्चा होने लगी और संविधान दिन के कार्यक्रम वगैरह होने लगे। अभी एक बात आती है कि यह जो संविधान दिन है उसका इतना सच में महत्व है क्या, और उस संविधान के बारे में सच समाज में जाकर डिस्कशन करने की बात है क्या। तो हमको ध्यान में आता है कि भारत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेसी रेट कितना है, यह अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके बारे में थोड़ा स्टडी करने के बाद उनका कहना है कि भारत में अपने संविधान के बारे में साक्षर लोगों का प्रमाण ये केवल 5 से 10% इसके बीच में है और बहुत कम ही लोग संविधान के बारे में जानते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में साक्षरता का प्रमाण 65% के ऊपर है, यानी एजुकेटेड लोग बहुत हैं, लेकिन अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसी है कि यानी शैक्षणिक दृष्टिया साक्षर होने के बारे बाद भी संविधानिक दृष्टि से साक्षर होना चाहिए इसका कुछ कंपल्शन नहीं है। यानी एक कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या MBA बनता है, फिर भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी चाहिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेसी रेट यह बहुत ही कम है भारत में। जैसे मैंने कहा कि शैक्षणिक दृष्टि से 65% लोग साक्षर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले 5 से 10% ही है। और ये जो 5 से 10% है वो अभी कौन है, तो जो MPSC UPSC की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स है, या फिर गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑफिसर्स है, या फिर इस फील्ड में काम करने वाले जजेस है, वकील है, ऐसे ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। और बाकी के जो साक्षर लोग है उनको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान में आता है कि वो एकाध दूसरे का उत्तर दे सकेंगे, बाकी उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी बहुत ही कम होती है। अभी इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या होते हैं वो समझेंगे। यानी कोई भी देश में उनके देश के लोग उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना साक्षर है इसके ऊपर यह तय होता है कि वह देश कितनी अच्छी तरह प्रगति कर सकता है। जैसे हम लोग अमेरिका का अगर उदाहरण देखेंगे तो अमेरिका में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने वाले लोगों की संख्या भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अवेयर है, वो लोग साक्षरता का प्रमाण वहां ज्यादा है। इसलिए क्या होता है कि अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई यानी अटैक होता है तो वहां के सभी लोग उसका विरोध करते हैं और अलग अलग ब्लॉग्स लिखते हैं और उसका जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, ऐसा अमेरिका में होता है। वहां के लोग अपना जो कोई प्रेसिडेंट है उनको चुनाव करना है तो उसके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं कि कौन व्यक्ति अपना देश चलाने के लिए योग्य है, लायक है, और उसी को चुन कर देते हैं। यह सब क्यों होता है कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा जानकारी है। भारत में ऐसा होता है कि मैंने कहा कि हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखने वाले 5 से 10% है, इसलिए क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को चुनकर लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर विधानसभाओं में भेज देते हैं। हम उनका जब चुनाव होता है तो क्या देखते हैं कि वो मेरी जाति का है क्या, मेरे धर्म का है क्या, या फिर वो चुन के आ गया तो मुझे कुछ फायदा होगा क्या। हम यही क्राइटेरिया देखते हैं किसी को चुनाव में चुन के भेजने समय। होना यह चाहिए था कि हमने देख के लिए योग्य है क्या, यह देखना चाहिए। इनके बारे में हम ही Can we ask him to shut the video? Maybe better bandwidth, maybe better. कम होने का और एक धोखा है, वो ऐसा है, राष्ट्रवादी है, कोई गांधीवादी है, तो कोई यानी इंडस्ट्रियल्स इसको सपोर्ट करने वाले हैं, कोई दलित संगठनों के अलग अलग लोग हैं, कोई अपने मुस्लिम्स के हितों की ही रक्षा करने
करने का देखने वाले हैं। तो अभी ये जो सब ये आइडियोलॉजी के लोग हैं, ध्यान में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ठीक से जानकारी न होने के कारण ये जो नेशनल इंटीग्रिटी यानी सभी ने एक होकर देश चलाना चाहिए, उसमें हम लोग को थोड़ी गड़बड़ी होती दिखाई देती है। यानी अगर हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उस प्रियम्बल का पहला ही सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब भारत के नागरिक इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी उसमें पहली ही लाइन अपने नेशनल इंटीग्रिटी के लिए है कि हम लोग सब एक है और एक होकर यह देश चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उस संविधान के इस नेशनल इंटीग्रिटी के भाव को न समझने के कारण हमको बिखराव दिया दिखाई देता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग अपने अपने तरफ से देश चलाने की कोशिश करते हैं और फिर हमेशा झगड़ा। और जो देश एक गति से आगे बढ़ना चाहिए, यानी रेल की पटरी पे कोई ट्रेन जाती है तो जिस स्पीड से एक ही दिशा में वो अग्रसर होनी चाहिए, वैसा होते हुए दिखाई नहीं देता है और उसमें अनेक बाधाएं आती हुई दिखाई देती है। हम लोग एक तभी होते हैं जब कोई राष्ट्रीय आपत्ति आती है, तभी हम सब एक होते हैं, और सर्वसामान्य दिनों में हम सब डिवाइड होते हैं। अब्राहम लिंकन का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, वो तो वाक्य ऐसा है, हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी स्टैंड। यानी कोई भी घर अपने अस्तित्व के बारे में अगर विभाजित रहेगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। आज भारत में ऐसा ही है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग तरीके से अपने देश के बारे में दिखते हैं और उसके कारण नेशनल इंटीग्रिटी का अभाव आता है और देश जिस गति से आगे जाना चाहिए वो होने में कठिनाई दिखाई देती है। हम लोग बोलते हैं कि भारत को एक सुपर पावर बनाना है, जैसे अमेरिका एक सुपर पावर है ऐसे भारत को बनाना है। लेकिन भारत सुपर पावर कब बनेगा? जब यह सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोग देश के हित में एक साथ आएंगे, जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर एक साथ आएंगे, तभी यह संभव हो सकता है। और वह संभव तभी हो सकता है जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझ सके और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलाने के लिए एक दूसरे का हाथ बटाए, यह तभी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेसी रेट कम होने के ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। और यही उद्देश्य रखकर 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा की थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में सब जगह चर्चा होनी चाहिए और उसके हिसाब से वही देश चलाने के लिए एक सक्सेसफुल बुक है, ऐसा उनका मानना है। तो अभी सच में यह कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल बुक है क्या, ऐसा सवाल आता है कि सच में यह कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है क्या कि जिसकी चर्चा समाज में होनी चाहिए, समाज के सभी लोगों ने उसका आदर करना चाहिए, ऐसा उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन की? तो हमको ध्यान में आता है कि 1950 में 26 जनवरी 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी पूर्ण रूप से लागू हो गया और तभी से लेकर अभी तक लगभग 72 साल हो गए हैं। तो इस 72 साल का जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चलने का जो चलने का इतनी दिन 72 साल का जो प्रवास है, उस प्रवास में हम लोग देखते हैं कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा यह कॉन्स्टिट्यूशन सिद्ध हो गया है। हम लोग को पता है कि भारत जैसा देश चलाना कोई साधारण बात नहीं है, यानी हमारा देश के बारे में हम लोग ठीक सातवां लगभग 140 करोड़ इतनी जनसंख्या है, 100 जाती है और लगभग 1600 अन्य भाषा यहाँ बोली जाती है। हर प्रकार के हर हमारे यहाँ जातियों की संख्या देखी तो 1.5 कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं
उतने धर्म के लोग अपने देश के भी नागरिक हैं। इतनी विविधता अपने देश की है, कहीं पर हिमालय जैसे पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पर घने घने जंगल है। यहाँ भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, पहराव की विविधता, इतना सब विविधता होते हुए भी हम एक ऐसे विविधता वाले देश को चलाना यह एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। हम लोग अपनी एक फैमिली चलाते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि एक फैमिली में अगर समझो 5 मेंबर है तो उस 5 मेंबर की एक साथ उनका मन मिला रहे, एक साथ सभी अच्छा एक दिशा में निर्णय ले और एक दूसरे का आदर करे, ऐसा हमारे फैमिली में करने के लिए हमको कितनी कठिनाई आती है। तो अगर भारत जैसा देश, इतनी विविधता वाला देश चलाने के लिए फिर किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता थी, किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी, इसका हम लोग ने थोड़ा सा हिसाब लगाना चाहिए। अभी हम इसकी जो सक्सेस स्टोरीज है तो उसमें ऐसा ध्यान में आता है कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उसके बाद बहुत सी संकट भारत देश पे आ गए, और ऐसे संकट आ गए कि जैसे 1947 में स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र होते ही एक युद्ध शुरू हो गया 1947 में, उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ, फिर 1971 में हुआ और फिर कारगिल वॉर। तो ऐसे 4 वॉर हम लोग ने पाकिस्तान के साथ किए, उसके बाद चाइना के साथ 1962 में हमारा वॉर हो गया। हमारे दो दो प्राइम मिनिस्टर, एक तो इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की हत्या वो प्राइम मिनिस्टर इस पद पे होते हुए हुई है, और तीसरी भी एक हुई है राजीव गांधी की, लेकिन उस वक्त तो समझो इलेक्शन चल रहा था। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर पद के तीन तीन व्यक्तियों की हत्या वो पद पे होते हुए हो गई है, और हमको ध्यान में आता है कि किसी भी देश में उसी के प्राइम मिनिस्टर की हत्या होती है तो एक अराजकता का वातावरण हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा यानी बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो कुछ सिचुएशन थी उस सिचुएशन को टैकल कर लिया, इलेक्शन हो गए, हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर चुना गया और देश ठीक है एक लाइन में चलते रहा, यानी उसमें कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ नहीं हुई। हमारे यहाँ अब तक कुछ राज्य ऐसे है कि वहाँ बड़े बड़े आंदोलन हो गए और वह राज्य हमारे देश से टूटेंगे क्या, ऐसी स्थिति आ गई। जैसे पंजाब है, पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन चला कि हमको खालिस्तान करके एक अलग देश चाहिए, और हम लोग को उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, और वो ब्लू स्टार करने के बाद वहाँ की सिचुएशन थोड़ी आज नॉर्मल है, यानी आज पंजाब भारत का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर जैसा प्रांत था वहां पर कुछ कारणवश हमको उनको 370 या 35 ए ऐसे कुछ आर्टिकल देने पड़े थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसको सुधारने की कुछ प्रावधान थे, तो उसके आधार पर हमने 370 35 ए अभी अभी 2 साल पहले उसको निकाल दिया, और कश्मीर भी आज भारत का एक अभिन्न अंग है ऐसा हमने घोषित कर दिया। बीच में तमिलनाडु में भी भाषा के आधार पर हिंदी वर्सेस तमिल ऐसा एक बड़ा आंदोलन हो गया, और भाषा के आधार पर तमिल कुछ अलग होता है क्या, ऐसी भी स्थिति निर्माण हो गई, तो उसमें भी हम लोग ने उसको भी ओवरटेक कर लिया। यह जो है सभी बातें वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है देश चलाने के लिए, इसके पैमाने पर हम लोग देख सकते हैं। सिक्किम एक अलग राज्य था, वो भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में सिक्किम के लोगों ने तय किया कि हमको भारत में शामिल होना है, और उस वक्त हमारे सभी जो नेतागण है करके सिक्किम को नागेश्वर आपका थोड़ा वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है, वीडियो भी थोड़ा बड़ा बन गया भारत। तो इस प्रकार हमको कि देश चलाने के लिए जो जो भी कुछ आवश्यक चीजें हैं और सक्सेसफुली चलाने के लिए वह सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सभी लोग मानते हैं, इसलिए हमारा देश कुछ बड़ा गड़बड़ी नहीं हो। जैसे हमारे बाजू का पाकिस्तान है, उसका भी बता देता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और उनका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
दोनों के इलेक्शन एक ही वक्त हो गए, यानी 1946 के मई महीने में उनके इलेक्शन हो गए 1946 में, और उस इलेक्शन में सभी मेंबर्स वगैरह चुनकर आ गए। लेकिन आगे चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगभग 9 साल लगे। 1956 में जाके उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन उनका पूरा होने के बाद भी वहां के जो पहले प्राइम मिनिस्टर चुन के आ गए, उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर चुन के आए, उन्होंने उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के डिब्बे में डाल दिया। और अब तक उनके 3 अलग अलग वर्जन हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और देश कैसा चलाना चाहिए इसके बारे में कभी भी उनके में क्लैरिटी नहीं रही, हमेशा कंफ्यूजन रहा। देश को मिलिट्री चलाएगी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से देश चलेगा, या कोई विदेशी अमेरिका वगैरह लोगों के आधार के साथ देश चलेगा, या मुल्ला मौलवी चलाएगा, इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रहा। भाषा का प्रश्न हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक तरह से हल किया था, यानी किसी एक भाषा को महत्व न देते हुए 22 अलग अलग भाषाओं को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, और जो तमिल और हिंदी का भाषा का प्रॉब्लम था वो हम लोग ने सॉल्व कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में भाषा के आधार पर उनका देश का बंटवारा हुआ। हमको पता है कि पहले पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान ऐसे 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, जो आज बांग्लादेश है उसको पहले पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ के सभी लोग बंगाली भाषिक है, और जो पश्चिम पाकिस्तान है वहाँ के उर्दू है, सिंधी है और पंजाबी है, ऐसे 3 भाषा बोलने वाले थे। उन्होंने भाषा का प्रश्न उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक से सॉल्व नहीं किया, और जो बंगाली भाषिक पूर्व पाकिस्तान है उसके ऊपर भी उर्दू की शक्ति कर दी, और उससे आंदोलन हो गए, और 1971 का वॉर हो गया, और पूर्व पाकिस्तान वो पाकिस्तान से टूट गया और फिर बांग्लादेश बना। यानी भाषा के आधार पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ भाषा का प्रश्न हमने ठीक तरह से सॉल्व किया था, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई। पाकिस्तान के बारे में हम लोग देखेंगे तो हमको ध्यान में आता है कि कोई तो एक मिलिट्री हेड उठता है और किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी देता है या गोली मारता है, और फिर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। आज तक उनके यहाँ 2-3 प्राइम मिनिस्टर इसी प्रकार से किसी न किसी ने हत्या करके दूसरा कोई सक्सेसर उसका बना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, यानी मिलिट्री अपने जगह पे ठीक से काम करती है, जुडिशरी अपने जगह पे ठीक से काम करती है। अभी ये क्यों करती है ये हमारे कभी ध्यान में नहीं आता, हम इसकी चर्चा नहीं करते कि ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ सब ठीक ठाक क्यों चलता है। जैसे एक बार नवाज शरीफ को एक ने प्रश्न पूछा था कि, और प्रश्न ऐसा था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि किसी प्रधान की हत्या होती है और दूसरा कोई मिलिट्री हेड है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो नवाज शरीफ ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा कोई विद्वान नहीं मिला, इस प्रकार का नवाब शरीफ कहता है पाकिस्तान में बैठकर, और यह सच भी है। तो ऐसा एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसको यशस्वी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहे, ऐसे अपने भारत का संविधान है। लेकिन दुर्दैव की बात है कि इतना यशस्वी कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास होते हुए भी हमारे लोग उसके बारे में कुछ गलत ही बात करते हैं। यानी उसका कारण भी है कि वो कुछ समझना चाहिए, संवैधानिक राष्ट्रवाद, यानी संविधान में भी एक राष्ट्रवाद है उसको समझना चाहिए। वो न समझने के कारण, फिर संविधान के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी न होने के कारण, उसके बाद जो आत्मीयता होनी चाहिए उस संविधान के बारे में उसका अभाव। हेलो नागेश सर, हमने थोड़ा सा प्रयास किया संविधान दिन के लिए संविधान पे बोलने वाले कुछ ऐसे वक्ता तैयार किया जाए, और अलग अलग स्कूलों में कॉलेजेस में संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जाए। तो इस वर्ष हम लोग ने अपने बंबई से लेकर गोवा तक अलग अलग स्कूल कॉलेज में
लगभग 500 जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा की है, तो ऐसा सभी जगह होना चाहिए और सभी ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी सवाल आता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो किस प्रकार से समझे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए 3 अलग अलग स्टेप्स में समझना पड़ेगा। उसकी जो पहली स्टेप है उसमें ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, ये जो बनाने की जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसका गठन कैसे हुआ, यानी उसको मराठी में हिंदी में संविधान सभा बनते हैं, तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के गठन का इतिहास क्या है, इस पहली स्टेप को समझना पड़ेगा। दूसरा स्टेप समझना पड़ेगा कि यह संविधान सभा बनने के बाद 9 दिसंबर 1946 को वो लोग लिखने के लिए बैठ गए और तब से लेकर 26 नवंबर 1949 जब लिखकर पूरा हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में दे दिया, ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय है उसके बीच में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स क्या हो गए और उस डिबेट्स में से हमारे जो सब आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स कैसे बाहर आ गए, उसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। और तीसरा है कि तीसरा जो स्टेप है कि 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू होने के बाद अभी 72 साल हो गए हैं, तो 72 साल में हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, ऐसे 3 अलग अलग स्टेजेस में हमको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। आज वैसे हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सभी 3 स्टेजों की हम ठीक से चर्चा कर सके, लेकिन उसमें से जो पहली जो स्टेज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का इतिहास क्या है उसके ऊपर मैं जरा ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है कि उसके बारे में समाज में बहुत ही कम चर्चा होती है, बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। इसलिए ये जो पहली यानी स्टेज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसको बनाने की जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसके मेंबर्स कहाँ से चुन के आ गए और उन्होंने क्या डिबेट्स वगैरह की, इसके बारे में इतिहास, ये बनने का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा बोलूंगा। तो भारत इस ऐसा एक देश है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन यह कोई नई यानी थ्योरी है या फिर कोई नया सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से राजा के लिए अलग अलग यानी नियम बनाए गए थे। जैसे हमको मालूम है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ लिखा था, ये जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो क्या है, एक राजा ने एक देश को कैसे चलाना चाहिए उसका मार्गदर्शन, यानी वो अर्थशास्त्र है। यानी उसमें सभी प्रकार के अलग अलग कामों की चर्चा है, राजा के कर्तव्यों की चर्चा है, सेना पे कितना खर्चा करना चाहिए, ऐसी सभी बातों की चर्चा है, तो ऐसा है। दूसरे हम रामायण में भी अगर देखेंगे तो रामायण का एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। अभी यह जो योग वशिष्ठ ग्रंथ है वो वशिष्ठ ऋषि राम को अपने सामने बिठाकर देश कैसा चलाना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमको ध्यान में आता है वो भी एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ही है, यानी संविधान ही है हमारे प्राचीन काल का। हमारा जो मध्ययुगीन काल है 2500 साल वगैरह पहले, तो हमको देखने को मिलता है कि भारत में अलग अलग गणराज्य थे, लगभग 10-12 अलग अलग गणराज्य थे। अभी गणराज्य का मतलब ही ऐसा है कि वहां कोई राजा नहीं था, तो वहां पर जो कोई ग्राम है तो ग्राम के लोग उनके ग्राम के प्रधान को चुनते थे, सभी ग्राम के प्रधान आकर किसी जिले के प्रमुख को चुनते थे और सभी जिले के प्रमुख आकर किसी एक को अपने देश का काम करने के लिए नियुक्त करते थे। तो ऐसी जो गणराज्य पद्धति है वो हमारे देश में नहीं है। उस वक्त अगर थी तो उसमें उसके कुछ लिखित नियम भी हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आईसीएस की परीक्षा में से जो आगे उनको कलेक्टर करके उस डिस्ट्रिक्ट में वगैरह शुरू कर दिया। आगे चल के हमको पता है कि 1858 का स्वतंत्र संग्राम हो गया और 1858 के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटिशों को ध्यान
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इस देश को चलाने के लिए दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गड़बड़ी कर दी है, इसलिए यहाँ के लोग भड़क गए और उन्होंने 1857 का जो स्वातंत्र युद्ध है वो किया, ऐसे ब्रिटिशों को लगा। और फिर उन्होंने उसको दुरुस्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भारत था वो उनके हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लिया, और भारत को सीधे सीधे जो ब्रिटेन की महारानी है वह उनके पार्लियामेंट के सहायता से चलाने शुरू हो गए। ये 1858 में हुआ, यानी 1857 का युद्ध होने के 1 साल बाद हो गया। अभी जब महारानी भारत को देश को चलाने लगी तो पहले 1858 में एक कानून आ गया, बाद में हमको मालूम है उसके बीच के काल में 1885 में एलन ह्यूम, इसने बम्बई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की। अभी ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में से जो कुछ नेतृत्व भारत में उभर कर आ गया, उन्होंने ब्रिटिश के लोगों के सामने हमेशा मांगनी करते थे कि हमारे लोगों को भी इलेक्शन में खड़ा रहने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी यानी चुनकर आकर देश चलाने के लिए सहभागिता होनी चाहिए। ऐसी जब बातें होती थी तो ब्रिटिशों ने अलग अलग कानून पास किए उसके लिए, और फिर इंडिया एक्ट 1909 आ गया भारत चलाने के लिए, फिर उसमें सुधार ना होके 1919 का इंडिया एक्ट आ गया, और उसमें भी सुधार ना होके आगे चल के 1935 का इंडिया एक्ट आ गया। तो ये इंडिया एक्ट एक बहुत महत्व की है, यानी 1909, 1919 और 1935। हमारा जो आज का संविधान बना है उसके ऊपर भी उसकी एक बहुत बड़ी छाप है, तो उसको भी आप लोग ठीक से समझना चाहिए। हमारा 1947 का संविधान, हमारा जो संविधान बना है 1950 में लागू हो गया, उसके पूर्व 1935 का इंडिया एक्ट ही शुरू था, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हमारे जो लोग हैं वो क्या करते थे कि भारत कभी भी स्वतंत्र होगा तो उसके लिए उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसे हमारे सभी नेताओं की मांग थी। उसमें से हमको पता है कि लोकमान्य तिलक जी ने एक स्वराज्य बिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 1895 को, और ये 1895 को उसने ब्रिटेन के पार्लियामेंट को सबमिट किया था कि भारत के लिए यह कानून रखो। ब्रिटेन तो उनको मानने वाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो प्रयास किया था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने एक सभी पार्टी के मेंबर्स को एकत्र बिठाकर एक खुद का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए उसको नेहरू रिपोर्ट ऐसा कहते हैं, यानी मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी जी पॉलिटिक्स में आ गए भारत में, और 1922 में महात्मा गांधी जी ने पहले कहा कि हम स्वतंत्र हो गए तब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, और वह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ऐसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने कहा। अब यह सब बातें चलती थी, उसके लिए आंदोलन होते थे, तो इसलिए जो अंग्रेज गवर्नमेंट है उनको, ब्रिटिशों को भी लगता था कि इनके लिए कुछ तो करना चाहिए करके। और आगे चल के फिर उन्होंने 1940 में एक प्रस्ताव दे दिया, उस वक्त लिनलिथगो करके गवर्नर थे, वो लिनलिथगो ने महात्मा गांधी जी को एक कहा कि हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देते हैं, आप लोग अपना, यानी हम लोग सब मिलके अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन लिनलिथगो ने उसमें कहा कि उसमें कुछ सदस्य भारतीय हो गए। अभी जब कुछ सदस्य भारतीय हो गए ऐसा उन्होंने कहा तो उसका मतलब यह था कि मैक्सिमम सदस्य ब्रिटिश हो गए, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने वह जो प्रस्ताव है उसको यानी मंजूर नहीं किया कि हमको ऐसा कोई भी संविधान नहीं चाहिए कि जिसमें ज्यादातर अंग्रेज रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या है तो वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को हिसाब से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो उनके हितों की बात उनके उस कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू कर दिया नागेश जी, आपका आवाज कैटो है। 1942 में। अभी ठीक आ रहा है? मैं या वीडियो आप बंद वो ये करने से वीडियो बंद कर काफी देता। डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बैंडविड्थ प्रॉब्लम ऐसे सोच रहा हूँ मैं। पहले ऑडियो ठीक है, वीडियो बंद कर दिया मैंने।
ठीक है, प्लीज गो अहेड। तो 1942 में क्रिप्स आ गए और क्रिप्स ने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव दिया कि हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देते हैं। लेकिन वो उस वक्त क्या हुआ था, तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और उन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देंगे। तब तक भारत के सभी जो लोग हैं वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे मिलिट्री वगैरह से भी। तो गांधी जी ने उसको नकार दिया, उन्होंने कहा ये ब्लैंक चेक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड खुद बचेगा क्या नहीं ये इंग्लैंड को ही पता नहीं। क्योंकि उस वक्त ऐसा हो गया था कि हिटलर की जो सेना है वो एकदम स्ट्रांग में थी और उन्होंने तब तक फ्रांस वगैरह को भी जीत लिया था और इंग्लैंड एकदम हारने की कगार पे था। और इंग्लैंड हमको प्रस्ताव देता था कि हम लोग आपको यानी वॉर खत्म होने के बाद संविधान सभा देंगे। तो गांधी जी ने उसकी चेष्टा की, उन्होंने कहा कि ये ब्लैंक चेक है, यानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंग्लैंड खुद बचेगा क्या नहीं ये इंग्लैंड को ही पता नहीं है। आगे चल के क्या हो गया कि 1946 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और इंग्लैंड में इलेक्शन हो गए और वहां जो चर्चिल की सरकार है वो गिर गई और एटली की वहां सरकार आ गई। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को जो वॉर जीतने में सबसे ज्यादा मदद भारतीय सेना ने की है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे लाखों सैनिक वहां यूरोप में लड़ रहे थे, इसलिए इंग्लैंड को भी अभी महसूस होने लगा था कि भारत जैसे देश के ऊपर जहां उनकी मिलिट्री लाखों में है उसके ऊपर अभी हम लोग राज नहीं कर सकते, क्योंकि यह सभी मिलिट्री हमेशा हमारे लिए यानी विश्वसनीय रहेगी ऐसा नहीं है, ये कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमको इनको स्वतंत्रता देनी चाहिए है। तो इटली की जो सरकार थी उसने उनके तीन मंत्री सर पैथिक लॉरेंस, क्रिस्टोफर क्रिप्स एंड एवी एलेक्जेंडर, ऐसे तीनों को भारत में भेज दिया गांधी जी और सभी के साथ चर्चा करने के लिए। अभी यह त्रिसदस्यीय जो समिति भारत में आई थी वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत है, हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह तीनों ने भारत के सभी जो अलग अलग पार्टीज है उनसे चर्चा की, यानी कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, कम्युनिस्टों से, सभी जो पार्टीज है भारत की उन सभी से चर्चा की और उन्होंने तय किया कि वहाँ एक फॉर्मूला दिया उन्होंने सब चर्चा के बाद। और वो फॉर्मूला ऐसा था कि भारत में हम सभी मिलके 389 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देंगे और यह 389 मेंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी, तो जनवरी 1946 में भारत में जो अलग अलग राज्य है उन राज्यों में इलेक्शन होंगे। अभी हमको उस जमाने का जो भारत है उसको भी ठीक से समझना पड़ेगा, आज के जैसा नहीं है। आज हमको मालूम है कि लगभग 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस वक्त ऐसा था कि 11 राज्य थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, वराड प्रेसिडेंसी, सिंध पंजाब, ऐसे अलग अलग 11 प्रांत थे और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे ब्रिटिशों के, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, ऐसे बलूच, ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। और ब्रिटिशों का राज्य केवल 60% इंडिया पर ही था और 40% इंडिया जो है, भारत जो है, वह अलग अलग राजे रजवाड़े थे, वहां इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, वो 11 राज्यों से अलग थे। तो इस प्रकार की रचना थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो ये 389 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका डिवीजन ऐसा होगा कि 292 मेंबर 11 राज्यों में से आएंगे, 4 मेंबर जो पूरे में रिजल्ट ऐसे आ गए कि वहां की विधानसभा के इलेक्शन थे ऐसा सब। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस सबको मालूम था कि यहाँ जो चुन के आएंगे वही जाके अपना आने वाले हैं, तो उन्होंने सभी ने जोर शोर से उस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उस इलेक्शन में रिजल्ट ऐसा आ गया कि
कि 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई और 4-3 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार आ गई, यानी बंगाल है या आज का सिंध है, वहां पर मुस्लिम लीग की सरकारें आ गई। तो यह जो पहला स्टेप था यानी सभी विधानसभाओं की चुनाव, उसमें दूसरा स्टेप ऐसा था कि जो चुनकर आए हुए एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह अपने में से किसी विद्वान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर करके दिल्ली में भेजेगा, और यह फिर पब्लिक इलेक्शन नहीं होगा, तो जो चुनके आए हुए मेंबर्स है वह मेंबर चुनेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी में 250 ML है, एमएलसी है, तो वो 250 ML कुछ 10-12 लोग मिल यानी 20-25 का एक ग्रुप मिलके किसी एक को चुनकर संविधान सभा पर भेजेंगे। इस प्रकार से वह इलेक्शन मई 1946 को हुआ। इस प्रकार से पूरे देश में से 389 मेंबर चुने गए संविधान सभा के लिए। अभी ये 389 मेंबर एक साथ चुने नहीं गए थे, कुछ 93 मेंबर्स तो राजे रजवाड़े भेजने वाले थे, तो बहुत सी उसी उसमें कठिनाइयां थी। ये जो राजे रजवाड़े थे उनका कहना अलग ही था। उनका कहना था कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ है, और हमारा केवल यानी परराष्ट्र धोरण और संरक्षण, यह दो बातें अंग्रेजों के पास है, बाकी हम सब स्वतंत्र है। हमने जब भारत स्वतंत्र होगा तब हमने भारत के साथ नहीं जाना है, हम एक स्वतंत्र देश करके रहेंगे, इसलिए हम अपने आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे मेंबर नहीं भेजेंगे। इस प्रकार का रवैया ये जो राजे रजवाड़े लोग थे उनका था, और उन्होंने उसके लिए एक अपना फेडरेशन भी बनाया था, यानी प्रिंसली स्टेट का फेडरेशन, और जो भोपाल का नवाब है वो उसका अध्यक्ष था। वो तो बहुत गर्व के साथ कहता था कि हमारा यानी कुछ संबंध नहीं रहेगा भारत के साथ, जब भारत स्वतंत्र होगा तब हम अपना देश चलाएंगे। अभी ये जब बातें कर रहा हूँ वो 46 के मई की बात कर रहा हूँ, यानी लगभग भारत स्वतंत्र होने के 8-9 महीने पहले की ये सब बातें चल रही है। तो मुस्लिम लीग का एक अलग से स्टैंड था, मैंने कहा कि 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आए थे, 3 राज्य उनकी सरकार ही आई थी, और उनके 73 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए चुने गए थे, लेकिन वो सभी 73 ऐसे मेंबर्स ऐसा कहते थे कि हमको भारत के साथ रहना ही नहीं है, हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, इसलिए हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से सभी बातें यानी अनसर्टेन थी कि सच में ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कभी बैठ पाएगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना पाएगी, ऐसी सब बातें उस वक्त चलती थी। अभी इसमें एक खाली इंटरेस्टिंग बात जो है वह मैं बता देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर कैसे जाना, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि अभी 1946 के जो इलेक्शन है उसमें जो चुनाव जीतेगा वो संविधान सभा में जाएंगे वो लोग। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खुद की एक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पूरे देश में बहुत जोर शोर से इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग थी, बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी। दुर्दैव से ऐसा हो गया कि कांग्रेस और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसमें बहुत शत्रुत्व था, और उसका कारण भी ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड महात्मा गांधी डन फॉर शेड्यूल कास्ट इस प्रकार का एक ग्रंथ ही लिखा था, और उसमें महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत टीका की थी, इसलिए कांग्रेस वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपना शत्रु मानते थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के कोई भी सदस्य चुन के नहीं आने चाहिए इसलिए बहुत प्रयास किया। और बंबई में परेल में से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इलेक्शन के लिए खड़े थे, तो उनको बंबई में गिराने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो इस प्रकार आपको ध्यान में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान सभा में जाने मिलाकर 1,500 के ऊपर उनके जो मेंबर्स है जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब को अंबेडकर को कहा
के लिए खड़े हो कि वो खड़े हो और आपको भेजने की जिम्मेदारी मेरी डॉक्टर, लेकिन आपका अकेला हो, बाकी के सारा टूट लगेंगे एमएलसी तो कहाँ से लाएंगे। तो जोगिंद्रनाथ मंडल ने कहा बाबा साहब उसकी व्यवस्था भी मैं, और ये बाबा साहब फिर बंगाल चले गए और कलकत्ता में जाके उन्होंने संविधान सभा सदस्य के लिए अर्जी भर दी। वहां जाने के बाद जो जोगिंद्रनाथ मंडल है, मैंने कहा कि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार है और उस मुस्लिम लीग की सरकार में जोगिंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग का समर्थन दिया था मुस्लिम लीग को। तो जोगिंद्रनाथ मंडल ने क्या किया, वहां पर बहुत से कांग्रेस के मेंबर जो शेड्यूल का समाज की रिजर्व सीट से चुनकर आए थे उनको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर बाबा साहब की मेहरबानी के कारण आपको कांग्रेस ने इस 30 सीट से चुनाव जीतने के लिए मौका दिया और आप चुनकर आए हैं, तो आपकी जो बाबा साहब को चुनकर भेजने की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले आप कांग्रेस के मेंबर है लेकिन आपको बाबा साहब को चुनकर भेजना चाहिए, ऐसा उनको आग्रह करना शुरू कर दिया। वहां के दो अपक्ष आमदार थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट देने का डिक्लेयर कर दिया। अभी कांग्रेस को जब पता चला कि उनके 4 एमएलसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट देने वाले हैं, तब उन्होंने क्या किया, उनके 4 लोगों को पकड़कर एक बंगले में बंद कर दिया इलेक्शन के पहले दिन। तो जोगिंद्रनाथ मंडल के आदमियों ने उनके बंगले के ऊपर हमला करके उन 4 लोगों को छुड़ा कर लेके आ गए और इलेक्शन हो गया, तो 4 लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट दिया। तो इस प्रकार की सभी गड़बड़ी उस वक्त होती हो गई थी, मैंने आज भी होता है ऐसा, यानी किसी के एमएलए को भगाओ वगैरह, वो उस वक्त भी हुआ था। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 7 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों का वोट पाकर बंगाल में जयसुल कुल्ला नाम का शहर है वहां से संविधान सभा के सदस्य करके चुनकर आते थे। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी समझने के लिए कि उस वक्त का वातावरण क्या था, देश कैसे चलता था, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अभी 9 दिसंबर 1946 को हमारे लोगों ने सोचा कि हम लोग संविधान सभा का पहला सत्र बुलाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर देते हैं। तब तक कुछ भी निश्चित नहीं था, यानी मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया था 73 मेंबर्स ने, और 93 मेंबर्स राजे रजवाड़े वो भी नहीं आना चाहते थे। फिर भी हम लोग ने 9 दिसंबर को सभी को एकत्र बुलाया और उसमें पहली संविधान सभा में 207 सदस्य पहले दिन आए थे, जहां का जो टोटल वॉल्यूम 389 है लेकिन उसमें से 207 सदस्य पहले दिन आए थे। और पहले दिन हमने क्या किया, तो अस्थाई अध्यक्ष करके सच्चिदानंद सिन्हा, यह बुजुर्ग ऐसे कांग्रेसी नेता थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष करके चुन लिया। अभी यह सच्चिदानंद सिन्हा यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस संविधान सभा में, और जिन्होंने लोकमान्य टिळक जी के साथ काम किया था ऐसे व्यक्ति थे। बाद में 2 दिन बाद जो स्थायी अध्यक्ष है उसके लिए चुनाव हो गया, और बिहार से आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने संविधान सभा का अध्यक्ष करके चुना। अब ये राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष करके चुनने के पीछे कारण यह था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम ऐसे शिस्तबद्ध व्यक्ति थे, और ऐसा यानी जिसको कठोर रहने वाले व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति को उनके सामने आकर झूठ बोलने के लिए डर लगे, ऐसे प्रकार के एक करारी व्यक्तिमत्व जिसको बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे व्यक्ति को हमने संविधान सभा का अध्यक्ष करके चुन लिया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसी सभा चलाने के लिए योग्य है, ऐसा सभी को लगा, फिर उनका चुनाव हो गया। बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी हमको क्या करना है, इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव उसको बोलते हैं। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम लोग अभी स्वतंत्र होने जा रहे हैं, हमारा उन्होंने सभी के सामने रखा। 2 महीने बाद उस उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हो गया। वो उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद उस उद्देश्य में जो भी कुछ उन्होंने बातें की थी उसके डिटेल डिस्कशंस की सभी चर्चा वगैरह शुरू हो गई।
तो इस प्रकार से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम शुरू कर दिया। अभी यह जब काम हमने शुरू कर दिया तो उसके ऊपर ब्रिटेन में से बहुत टीका होने दी, और हमको मालूम है कि चर्चिल ने उसके ऊपर एक गहरी टीका कर दी। चर्चिल ने कहा कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसी असेंबली है कि जिसकी दुल्हनी गायब है, एक ऐसी शादी है कि जिसकी दुल्हनी गायब है, केवल कांग्रेस आकर बैठी है, मुस्लिम लीग उसमें आती नहीं है, और फिर यह क्या बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार की टीका उन्होंने की। सच्चिदानंद सिन्हा को जब हमने अध्यक्ष करके चुना तो उसके ऊपर भी ब्रिटिशों ने टीका की। ब्रिटिशों ने कहा कि यह असेंबली हमने जो त्रिसदस्यीय समिति भेजी थी कि उसके हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, तो अध्यक्ष कौन होना चाहिए इसका अधिकार भी ब्रिटेन को होना चाहिए, तो आपका जो अध्यक्ष है वो हम स्वीकार नहीं करते। तो हम लोग ने कहा अभी आपका कुछ दादागिरी नहीं चलेगा, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इस प्रकार से हमारे लोगों ने एक शुरू की कि नहीं, हम लोग अभी स्वतंत्र होने वाले हैं, अभी हम किसी की बात नहीं मानेंगे, यानी अंग्रेजों की भी नहीं मानेंगे। इस प्रकार से बात करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम शुरू हो गया। आगे चल के हमको पता है कि भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र होने के पहले 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया, उसके एक महीना पहले यही संविधान सभा ने भारत का झंडा कौन सा होना चाहिए उसका प्रस्ताव वगैरह पारित करके भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए अशोक चक्र वाला, यह रेजोल्यूशन भी लेकर आ गए, और यही संविधान सभा ने जुलाई 1947 को अपना झंडा भी पक्का कर दिया। बाद में भारत स्वतंत्र हो गया, और भारत स्वतंत्र होते होते संविधान सभा के लगभग 5 अधिवेशन हो गए थे, और उस सभी 5 अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत बार भाषण भी किए थे। मैंने कहा कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे तो सभी को ऐसा लगता था कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी बहुत तकलीफ देगा सभी कांग्रेस के मेंबर्स को, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के ऊपर इतनी टीका की है, ये हमको काम ठीक से करने में ही देगा, इस प्रकार की सभी लोगों की भावना थी। लेकिन हुआ उल्टा, और उल्टा ऐसे हुआ कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार संविधान सभा में बोलने का मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सभी लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, अपनी अपनी सबकी मिलिट्री है, और हम सब उस मिलिट्री के सेनापति है, और हमारे अलग अलग कैंप है, अभी हम लोग इस संविधान सभा में भारत का भविष्य तय करने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए हमने अपनी सभी आइडियोलॉजीज इस संविधान सभा गृह है उसके बाहर रखनी चाहिए, और भारत को आगे चल के 200 साल 300 साल चलाने के लिए, भारत का भविष्य ठीक होने के लिए जो योग्य है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करना चाहिए, किसी ने अपनी आइडियोलॉजी का उसमें आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देश कैसा चलना चाहिए इसके बारे में हमेशा यानी गड़बड़ी रहने के कारण हमारे ऊपर मुसलमानों ने राज्य किया, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया, कम से कम हमको अभी मौका मिला है तो हम सभी ने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी अपनी सभी ने आइडियोलॉजी छोड़कर। अभी यह भाषण जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया तो जो कांग्रेस वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे वह भी यानी खुश हो गए, उन्होंने भी तालियां बजाई और डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसको सहारने लगे। आगे जब भारत स्वतंत्र हो गया तो दुर्दैव से ऐसे हो गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान सभा का सदस्यत्व है वह सदस्यत्व रद्द हो गया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि वो जहां से चुनकर आए थे बंगाल में से, वो दो शहर थे जयसूल और कुलना, ये दोनों शहर पूर्व पाकिस्तान में चले गए, और अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो वैसे पाकिस्तान में जाने वाले नहीं थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है मेरा ये 5 अधिवेशन तक ही उनका काम था, ऐसा सोचकर वो बंबई में आ गए। इस संविधान सभा का एक कंसल्टेंट भी था, और वो कंसल्टेंट था सर बेनेगल नरसिंह। विद्वान आदमी, दुनिया भर के सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई किया हुआ ऐसा सर बेनेगल नरसिंह राव। तो ये सर बेनेगल नरसिंह राव को लगा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, उनका जो टेक्निकल ग्राउंड पे सदस्य को रद्द हो गया है उसको कुछ दुरुस्त करके उनको फिर से संविधान सभा में ला।
तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए और राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि आप ऐसा करो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से संविधान सभा में कैसे लेकर आ सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास करो। प्रसाद को भी लगता था कि डॉक्टर बाबा साहब रहने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तो उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर जो थे बीजी के, उस वक्त किसी भी प्रेसिडेंसी के जो मुख्य है उसको मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे। तो अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट है, पंतप्रधान है, उनको प्राइम मिनिस्टर, उनको बीजी खेर को उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आपके प्रेसिडेंसी में से किसी एक मेंबर का रेजिग्नेशन ले लो और उसकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चुन के फिर से संविधान सभा पर भेजो। और इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, बीजी खेर ने एम आर जयकर नाम के एक सदस्य थे, उस एम आर जयकर का रेजिग्नेशन ले दिया और उसके जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर संविधान सभा में फिर से भेजा दिया। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत कृतज्ञता पूर्वक कहते हैं कि जो संविधान सभा सभा कांग्रेस के लोग मुझे संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे, ऐसा कह के मेरे को इलेक्शन में हरा दिया था। मैंने उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल का वाक्य ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे खिड़की नहीं तो ऊपर के जो तावदान है वो भी हम लोग ने बंद कर दिया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का वाक्य था। उसी कांग्रेस ने फिर से मुझे संविधान सभा पे लिया, उतना ही नहीं तो संविधान सभा में लेने के बाद अलग अलग जो 16 कमेटियां बनी थी उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी पर ले लिया और उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्होंने हेड भी बना दिया, ऐसा कृतज्ञता पूर्वक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। तो ये जो संविधान सभा है, मैंने कहा कि पहले 389 मेंबर थे, पाकिस्तान बनने के बाद कुछ पाकिस्तान के सदस्य बाहर चले जाने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 299 मेंबर्स की रही। बाद में हम लोग को मालूम है कि अलग अलग जो राजे रजवाड़े थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलीनीकरण करके भारत में शामिल करवा दिया, तो उस राजे रजवाड़े के मेंबर्स भी संविधान सभा में आने लगे। तो ऐसी अपनी संविधान सभा 299 मेंबर्स की रही और 15 अगस्त 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल मेंबर की संख्या 299 थी। अभी अलग अलग डिबेट्स और यह सब उस आगे के सभी अधिवेशनों में हुआ है, अभी सभी डिबेट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय लगेगा, केवल दो तीन महत्व के डिबेट्स मैं बताता हूँ, यानी जिसके कारण हम बच गए इसके लिए मैं बताता हूँ। तो एक तो डिबेट्स था कि जैसे हमारा देश है तो हम लोग ने कहा कि भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, यानी राज्यों का संघ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वो यही है कि इंडिया इज अ यूनियन। तो ये जो यूनियन है तो उसका रचना कैसे होगा, तो उसका रचना एक केंद्र सरकार होगा, बाद में राज्य सरकार होगा और फिर अधिकारों का वाटप कि किसको कितने अधिकार, राज्य को कितने अधिकार रहेंगे, केंद्र को कितने अधिकार रहेंगे और दोनों को मिला के कितने अधिकार रहेंगे, उसकी डिबेट्स संविधान सभा में होने लगे। अभी उस जो कांग्रेस के लोग थे, गांधीवादी लोग थे, वो बहुत आदर्शवादी थे, गलत नहीं थे, उनका ऐसा कहना था कि ऊपर जो कोई बैठेगा उसके पास कम से कम अधिकार चाहिए और नीचे वाले जो है उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए, ऐसी गांधीवादी सोच थी, यानी और वो भी सही है, एक आदर्श रचना के हिसाब से कोई भी ऊपर बैठेगा उसके पास कम से कम अधिकार होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इसके खिलाफ मत था, उनका कहना था भारत इतना विविधता से भरा हुआ है कि आप अगर ऊपर जो बैठा है उसको ज्यादा अधिकार नहीं देंगे तो भारत के सभी राज्य आगे चल के अपने इस देश से टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए जो भी कोई ऊपर बैठेगा उसको ज्यादा अधिकार आपको देने ही पड़ेंगे। बहुत सी डिबेट हो गई, उसमें से 3 सेक्शन मुस्लिम लीग के सदस्य पोकर साहेब बहादुर थे, यानी पाकिस्तान बनने के बाद यह मुस्लिम लीग का सदस्य भारत में ही रहा और फिर भारतीय संविधान में रहा, क्योंकि चुन के आया था वो, क्या पाकिस्तान में गया नहीं। तो जो बहादुर थे
उनकी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक इस विषय पे डिबेट शुरू हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब को केंद्र मजबूत रखने के लिए बहुत कोसा। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उठ कर उसको यह सुनाया कि मैं 1930 से मुस्लिम लीग का व्यवहार देख रहा हूँ, वो हमेशा राज्य मजबूत होने चाहिए इस पक्ष के है, और वह इसलिए है क्योंकि किसी भी राज्य में मुस्लिमों की अगर संख्या बढ़ती है तो वह अपनी दादागिरी कर सके और आगे चल के उस स्टेट को केंद्र से तोड़ना चाहिए, इसलिए इसलिए वो राज्य को ज्यादा अधिकार दे। अभी इस प्रकार का स्पष्ट वक्तव्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया है। जब यह वक्तव्य उन्होंने किया तो कांग्रेस के सदस्य बाबा साहब के ऊपर नाराज हो गए, अरे डॉक्टर बाबा साहब अपने मुसलमानों के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए वगैरह। लेकिन ऐसी भी बहुत सी यानी जिसको डिबेट्स कहे, ऐसे डिबेट्स हमको संविधान सभा में देखने को मिलते हैं। और आखिर में क्या हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों को मना लिया कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, राज्य को दुय्यम दर्जा के अधिकार होना चाहिए। और फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची 7 देखते हैं तो उस अनुसूची 7 में तीनों के अधिकारों का वर्णन है, यानी केंद्र को कितने अधिकार हो गए, राज्यों को कितने अधिकार हो गए, दोनों को मिलके कितने अधिकार। डॉक्टर बाबा साहब ने जो यादें दी है, लिस्ट दी है, उसमें 97 जो मुख्य अधिकार है वो केंद्र को दिए गए, 66 दुय्यम दर्जा के अधिकार वो राज्यों को दिए गए, और 47 समवर्ती सूची कहते हैं वो दोनों को अधिकार है। अगर आप सोचो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा टैलेंटेड विद्वान, इस देश को ठीक से समझने वाला आदमी अगर उस जगह पर नहीं था, नहीं रहता, और आदर्श गांधीवादी विचार के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता, केंद्र राज्य अगर मजबूत होते और केंद्र कमजोर रहता, तो क्या कश्मीर जैसा स्टेट भारत के साथ आज जुड़ा रहता था, या फिर पंजाब जैसा स्टेट भारत के साथ जुड़ा रहता था, या फिर तमिलनाडु जैसा स्टेट भारत के साथ जुड़ा रहता था क्या? यह सभी लोग अपने अपने अधिकारों की बात कर कर इस स्टेट्स को देश से तोड़ सकते थे। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे विद्वान लोगों के कारण बच गए हैं, ऐसा हमको ध्यान में आता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारा देश, मैंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया है, अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, भारत में हम जो राज्य है उनकी केंद्र के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो भारत ने अपनी सुविधा के लिए राज्य की निर्मित की है। अभी अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में जो केंद्र है, केंद्र और सभी उनके 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट्स में एग्रीमेंट है, और वह स्टेट्स ने अपनी सुविधा के लिए केंद्र का निर्माण किया है। भारत में उल्टा है, केंद्र ने अपनी सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया है। भारत में भारत का प्राइम मिनिस्टर एक ही घोषणा में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया, एक ही स्टेट एक ही जीआर निकाल के पूरे देश भर में उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐसा करना चाहा तो वहां के स्टेट्स ने उसको विरोध किया, उनका कहता था कि ये करने का आपको अधिकार नहीं है। हमारे जो 50 स्टेट है, 50 स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखेंगे, और बाद में हम हमारे स्टेट में करेंगे, आपने नहीं करना। तो इस प्रकार से वहां उनके जो 50 स्टेट है, 50 स्टेट के 50 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में स्टेट का सेंटर का मिला के एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो फर्क है, यूनियन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस दो शब्द में। अभी हम उसके फायदे हमको मिलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया होने के कारण उसके फायदे मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कारण उनको हमेशा डर रहता है कि कोई स्टेट नाराज न हो हमसे टूटे नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट नाराज भी हो गया तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार की अनेक रचना है। हाँ, कि हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो बहुत ही, और उस कारण एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अपने एक
तो बाबू जगजीवन राम नाम का एक शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स थे, वो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स चुनकर आए और वो गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए गांधी जी के आश्रम में गए। अभी उस वक्त गांधी जी सभी कांग्रेस वालों से बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि सभी ने जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में जून में, उस 1946 के जो उसमें जाना नहीं चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था, और जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था। लेकिन किसी गांधी जी को न मानते हुए उन सभी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो गांधी जी नाराज थे, इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और वो अपने आश्रम में ही रहते थे। तो बाबू जगजीवन राम गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए गांधी जी के आश्रम में आ गया। गांधी जी को उन्होंने प्रश्न पूछा, बापू जी अभी संविधान सभा के लिए मेरा चुनाव हुआ है, तो आप जरा मार्गदर्शन करो कि हम किस प्रकार का संविधान बनाए। तो गांधी जी ने उनको कहा, देख बाबू एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना, और आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे पददलित व्यक्ति देखा है कि जिसको जीवन में करने जैसा कुछ भी नहीं है ऐसा आपको लगता है, उसको अपने आंखों के सामने लेके आओ, और फिर जब कभी संविधान सभा में किसी आर्टिकल के ऊपर जब चर्चा करोगे तब ऐसा सोचो कि मैं जिस आर्टिकल को आज पास करने वाला हूँ वह आर्टिकल के कारण यह जो पददलित व्यक्ति है उसके जीवन में कुछ बदलाव होगा क्या, वो उठकर खड़ा हो सकता है क्या, कुछ कदम चल सकता है क्या, ऐसा विचार करना। और ऐसा अगर आपको लगा कि उसके जीवन में बदलाव हो सकता है तो ऐसे ही जो संविधान सभा ऐसा ही जो आर्टिकल है वो आर्टिकल तुम एक्सेप्ट करना, नहीं तो उसको कचरे के डब्बे में फेंक देना। तो ऐसी एक शुद्ध भावना संविधान सभा के सभी सदस्यों की रही और बहुत मेहनत से यह हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन सब बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, यानी एग्जैक्ट उसमें क्या है, यानी उसमें फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अलग अलग सभी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, केवल उसके बनने की प्रक्रिया, उसको बनाने वाले का इंटेंशन, इन सब बातों को आपके सामने रखा है। और यह इसलिए क्योंकि हम सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक बहुत अच्छा यानी श्रद्धा रखनी चाहिए। इसलिए भारत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यह जो श्रद्धा का भाव है वह बहुत कम दिखाई देता है और उसके दुष्परिणाम अपने देश को भी होते हैं। मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेसी रेट भारत में बढ़ना भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है और होना चाहिए, इसलिए आप सभी एजुकेटेड है, आप सभी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए और आने वाली सभी जो जनरेशन है उसके सामने उसका डिस्कशन भी करना चाहिए। हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मानना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए यह हम सभी को समझाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक अच्छा बेटर भारत, एक सक्षम और सुपर पावर भारत हम बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही कह के मैं यहाँ रुकता हूँ। या थैंक यू सो मच सर आगे जी। इट इज डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा वास्ट डिटेल सब्जेक्ट है और जैसे आपने बताया कि अभी तो हमने इंस्टीट्यूशन को टच ही नहीं किया, जस्ट प्रोसेस था पूरा आपने एक्सप्लेन किया। इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सेशन सर। विल कीप द फोरम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर 5 मिनट्स। सर यू आर मेंशनिंग अभिमन्यु हियर, यू आर मेंशनिंग अबाउट 9th डिसंबर में हमारा काम हो गया था, वी वर वेटिंग फॉर सम टाइम, आई सी बोल रहे हैं। कैन यू एलाबोरेट ऑन दैट? ठीक देखो 9 दिसंबर आवाज ठीक नहीं है सर। आपका है ना कि तो एक्सेप्ट 26 जनवरी 1950 में क्यों किया, ऐसा क्वेश्चन है आपका? हाँ सर यस। हाँ
तो उसका कारण ऐसा है कि उसके पीछे भी हिस्ट्री है, और अच्छा हुआ आपने यह सवाल कर दिया। 1930 में लाहौर में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि यह जो अंग्रेज है वो हमको यानी स्वतंत्रता देने वाले कौन होते हैं। हम सभी ने 1930 की 26 जनवरी से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना है। 1929 में अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, तो आने वाली 26 जनवरी से खुद को स्वतंत्र है ऐसा घोषित करना चाहिए, और आने वाली 26 जनवरी से हमने अपना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए, ऐसा नेहरू जी ने घोषणा की। और इस घोषणा का पूरे देश पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, और पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। आगे चल के 1947 तक 17 इंडिपेंडेंट डे मनाए गए। हालांकि हम लोग पारतंत्र में थे, लेकिन सभी लोग स्वतंत्रता दिन 26 जनवरी को मनाते थे। अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 को पूरा हो गया, तब हमारे लोगों ने कहा कि और देश तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तो उस जो 26 नवंबर का स्वतंत्रता दिन है उसका करेंगे क्या। तभी उन्होंने कहा कि हम लोग 2 महीना रुकेंगे, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भी हुआ है तो वह लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, ताकि वो जो स्वतंत्रता दिन है उसका टाइटल चेंज होके वो प्रजासत्ताक दिन बनेगा, और आगे वाले पीढ़ियों को ये भी याद रहेगा कि यह जो 1930 से चालू है। तो इसलिए हमारे जो सभी लीडर्स है उन्होंने 26 जनवरी के लिए 2 महीना रुकना ठीक समझा। इट्स ओके। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजेश जी, पॉसिबल कैन वी हैव वन मोर सेशन आफ्टर नेक्स्ट 2 वीक्स आर सो रिगार्डिंग दिस? यस यस, डेफिनेटली सर। ये मतलब ये जैसे नागेश जी ने बताया, इतना डीप डिटेल एंड डीप सब्जेक्ट है, और नागेश जी का उसके बारे में नॉलेज भी इतना है कि ही वाज जस्ट गोइंग नॉन स्टॉप इन अ कंटीन्यूअस फ्लो। सो सर, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव वन मोर सेशन, मे बी एक तो सैटरडे छोड़ के बाद में एज पर आपके टाइम के कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक में इस सेशन में टॉपिक कवर नहीं हुआ है, वी ऑल नो। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग बात करके विल शेड्यूल इट अगेन सर, नेक्स्ट वन मोर सेशन। और भी किसी को क्वेश्चन है या और एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, देयर आर नो क्वेश्चंस, देन वी कैन क्लोज द सेशन। या तो नागेश जी, ऑन बिहाफ ऑफ जेनो टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट एंड टीम, आई फॉर्मली थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड जॉइनिंग दिस सैटरडे सेशन। जैसे हमने बात की, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इस सेम सब्जेक्ट पे एक और एक सेशन हम ले लेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू, सबका धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।